सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो मैं बात करने वाला हूँ कि काफ़ी मेरे को ना इंस्टाग्राम पे काफ़ी जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं वो देखते हैं लोग और काफ़ी सारे मेरे को मैसेज करते हैं। एक मैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो वीडियोस डाली थी मैंने यूके में, या मैंने एक सर के साथ जो इलेक्ट्रीशियन थे वहाँ पे उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, एक साइट टूर किया था, वो सब वीडियोस देख के मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। और जिसमें से 5-6 मैसेज मुझे एक हफ्ते से आ रहे हैं, मुझे ना टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, ठीक है, कि जो मैं वीडियोस बना सकूं। आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारा डिस्टेंस हो गया है कि 20-22 दिन से मैं वीडियो नहीं कोई डाल रहा हूं, ठीक है, और उससे पहले भी जो है कि मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए, यानी कि 6-7 मैसेज इस रिलेटेड आए जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। आप हो सके तो वीडियो को पूरा देखिए जो इस फ्रॉड का शिकार ना हो पाए आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो अभी इसलिए नहीं मैं वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना स्टार्टअप में अभी अकेला हूँ। मैंने धीरे धीरे स्टाफ हायर किए हैं। आज मैंने एक बंदा हायर किया है जो कि मेरी सारी साइट जो है वो संभालेगा। अपने आप को मैंने रिप्लेस कर लिया है, यानी कि जो काम मैं कर रहा था पिछले 2-3 मंथ से उस काम को करने के लिए मैंने जो स्टाफ हायर किया है एज अ साइट इंजीनियर, वो अब सब काम देखेंगे वो सारा, और मैं जो है वो एक लेवल ऊपर उठ गया हूँ। तो अभी स्टार्ट था मेरा, आपको पता ही है कि जब मैं यूके से आया तो मैंने स्टार्ट किया, वो भी 3 मंथ पहले स्टार्ट किया, 3-4। बट मेरे को जो है पिछला एक्सपीरियंस था मेरा, पिछले क्लाइंट्स थे तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा लेवरेज मिला, ठीक है जी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पता क्या करो, जिसको भी मैसेज आ रहा है ना, जिसको भी इंटरव्यू का मैसेज आ रहा है कि हाँ इस कंपनी से हम आपको यूके में आपको रिक्रूट कर रहे हैं, आपको इतने पाउंड देने हैं और बाद में आपका ऑफर लेटर जॉब ऑफर आ जाएगा और आप सीधा जो है 4,000-5,000 पाउंड की आपको ऑफर देके आपके मन में एक ग्रीड एक फैला रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ से आप बचो। प्लीज़ बी अवेयर, काफ़ी सारे फ्रॉड हुए हैं। पहली बात तो कोई भी जो है ना, कोई भी रिक्रूटर जो है वो आपको पहले ऑफर लेटर या आपको कोई भी सीधा डायरेक्ट आपको वो नहीं करेगा, अप्रोच नहीं करेगा आपको। आप इतना कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपको लोग डायरेक्ट आपको मेल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ फेक वेबसाइट्स बना के यूके की मेल आईडी वगैरह लेके, उनका धंधा ही है आपको बेवकूफ़ बनाना, उनका धंधा है, ठीक है। सो डोंट बी फूल, आप फूल मत बनो। आप पैसे दे रहे हो, आप एक बंदे ने मैसेज किया कि मैंने 1,00,000 रुपये उनको दे दिया पेरेंट्स से वो करके, और बाद में जो है हमारी सब कुछ जेन्युइन था, हमारी मेल का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, मेरे को ये ऑफर लेटर आई है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आ भी रही है कंस्ट्रक्शन कंपनी के मतलब उसके माध्यम, या तो फिर मेरा निश जो है, या तो मैं बैकग्राउंड, या मैंने ज़्यादा जो बातें की हैं वीडियोज़ में, लास्ट वीडियोज़ में या वीडियोज़ बनाई हैं मैंने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बनाई है, इसलिए मेरे को कंस्ट्रक्शन के ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, या लाइक जो भी है ना। 2-3 बंदों ने मेरे को कॉल्स भी की, ठीक है, 2-3 पाकिस्तान के भाइयों ने मेरे को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, हमें ऑफर आई है, जॉब ऑफर आई है। भाई कोई भी ऐसे ऑफर नहीं आपको भेजता है, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपने डायरेक्ट अगर आपने जाना, पहली बात तो किसी भी वो क्या करते हैं कि आपको हायर क्यों करेंगे, आपको इतना खर्चा स्पॉन्सर आपको करेंगे, आपका हेल्थ सरचार्ज वो उतारेंगे, पर एनुअल जो होगा 1,10,000 जो हेल्थ सरचार्ज हो गया है, 5 साल का वीज़ा, तो 5-6 लाख रुपए आपको क्यों, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि आपको डायरेक्ट यहाँ, वो लूटने फ्रॉड बंदे हैं वो, ठीक है। कोई भी ऐसे आपको डायरेक्ट ऑफर नहीं दे रहा है, आप किसी की बातों में मत आओ, और आप खुद जो है ना, आप देखो खुद, आप 4-5 हज़ार पाउंड मायने रखता है यूके में, आपको लग रहा होगा यहाँ से बैठ के इंडिया में, पाकिस्तान बांग्लादेश में 4-5 लाख रुपये मायने रखता है, ठीक है, 4-5 लाख रुपए महीने का, 4-5 हज़ार पाउंड, एक को तो 6,500 पाउंड, यानी कि इंडिया का अप्रॉक्स 6.5 लाख रुपए पर मंथ उस बंदे ने बताया कि आपको सैलरी देंगे, आप हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आ जाओ एज अ आप सिविल इंजीनियर आप ज्वाइन कर लोगे। पहली बात ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कोई भी कंपनी है बिना रेफरेंस के आपको नहीं रखेगी, ठीक है, खासकर यूके में। आपको लेबर का काम करना है ना, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करना है, तब भी आपको रेफरेंस चाहिए, 2 बंदों की रेफरेंस चाहिए होती है, ठीक है, आप बिना रेफरेंस के कोई भी आपको बंदा रखेगा नहीं, ठीक है। फिर 4,000-5,000 पाउंड पर मंथ पे करना, इट्स अ बिग ह्यूज अमाउंट है, ये आपको ऐसे कोई डायरेक्ट पे नहीं करता है। फ्रेशर जो होता है बंदा ना, मैंने MSc कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने की, ठीक है, यूके से,
और उसके बाद जो मैंने अप्लाई किया, 3-4 कंपनीज में अप्लाई किया, खुद से अप्लाई किया, खुद से साइट पे जाके मैं प्रोजेक्ट मैनेजर से मिलता था वहाँ पे, कि साइट पे जाके स्ट्रगल 2-3 महीने मैंने किया, ठीक है, क्योंकि मुझे लेबर का काम नहीं करना था। मैंने छोटे मोटे काम किए हैं, लेकिन मैं पूरी लाइफ होल लाइफ वो सब काम नहीं कर सकता था। और जो मैंने डिग्री ली वहाँ से, वो सब चीज़ का एक्सपीरियंस तो मैं बताता हूँ आपको। कोई भी बंदा, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वहाँ लंदन में, खासकर मैं बता रहा हूँ, लंदन बहुत बड़ी सिटी है इंग्लैंड की, ठीक है, कैपिटल बहुत बड़ा सिटी है लंदन, जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे पता कितना पे था, 1800 से 2000 pounds पर मंथ। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इंडिया में बैठ के, जबकि मेरे पास यूके की डिग्री भी थी, 2000 pounds, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं वो देखते। आप भले आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो इंडिया में, भले आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, आप जाते हो तो एज अ फ्रेशर जाते हो, कोई भी कंपनी वहाँ पे आपको एज अ फ्रेशर रखती है। ग्रेजुएट स्कीम पे मैं, जैसे मैं गया था वहाँ पे, ठीक है, अच्छी कंपनी में मैं गया था, वहाँ पे मेरे को 2000 pounds वो दे रहे, ठीक है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 5000 pounds आपको दिए जाएंगे, आपको 4000 pounds दिए जाएंगे, और स्टार्टिंग में आपको 4000 भी छोड़ो, आपको 3500 pounds दिए जाएंगे, हाईएस्ट सैलरी मानी जाती है ये यूके में। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो कैश इन हैंड जॉब करते हैं ना, वो इतना कमा लेते हैं। एनआई पे, नेशनल इंश्योरेंस पे टैक्स वगैरह पे करना, जितना आप कमाओगे उतना आपका टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ता जाता है। 40% 45% तक भी टैक्स पे करना पड़ता है वहाँ पे। जितनी हाई सैलरी होगी उतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। सो आप फूल मत बनो, आप कहीं से भी आपको लेटर आ रहा है, आप बहुत सोच समझ के, आप पहली बात तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो, आपको कोई भी वहाँ की कंपनी आपको सीधा रिप्लाई नहीं देती। कोई भी बंदा वहाँ लगता है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको लेबर जॉब करनी है तब भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप किसी फैक्ट्री में कर सकते हो, ठीक है। आप धीरे धीरे डायरेक्ट फैक्ट्री में लग सकते हो, ठीक है, लेकिन रिक्रूटमेंट एजेंसी में मैंने काम किया हुआ है, मैंने जॉब की है, स्ट्रैटफोर्ड में काम किया है रिक्रूटमेंट एजेंसी के साथ मैंने, ठीक है। ऑफिस में हम सब हायर करते थे, जो फैक्ट्री के लिए जो काम करते थे, कोई ऑपरेटर हो गया, ठीक है, मशीन ऑपरेटर हो गया, वहाँ पे भी मैंने काम किया, स्ट्रैटफोर्ड लंदन में, ठीक है। तो उन सर के साथ मैंने, जो वहाँ के ऑनर थे, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी किया था, कैंडो पर्सनल लिमिटेड जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, उसके अंदर मैंने काम किया, और सर के साथ मेरा अच्छा पर्सनल रिलेशन भी, मतलब लाइक एक फ्रेंडली बोल लो, एक होता है कि एक उनमें कोई एटीट्यूड नहीं था, ठीक है, तो फ्रेंडली शायद उन्होंने कुछ काबिलियत देखी होगी मेरे को, डायरेक्ट उन्होंने अप्रोच किया कि आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, ठीक है। तो आपको कोई भी बड़ी से बड़ी, अगर आपने एज अ सिविल इंजीनियर भी आपने अगर कहीं गए हो, आईटी में गए हो, तो वहाँ पे अगर आप हो तो आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आपको हायर कर लेती है कंपनी, लेकिन डायरेक्ट कंपनी में जाना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। सो आप फूल मत बनो, मूर्ख मत बनो, आपको क्या करना है, आप जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सीधा कंपनीज की, जैसे 20, 30, 40, 50 या 10 कंपनीज के नाम आप सर्च करके उनकी वेबसाइट जो ऑफिशियल होगी उस पे जाके उनकी प्रोफेशनल मेल आईडी पे अपने रिज्यूम भेजो, वहाँ से रिवर्ट आता है, दैट्स द पॉइंट कि आप आगे कर सकते हो फर्दर जो भी है। पहली बात, वो पैसा नहीं मांगते, पैसा बिल्कुल नहीं मांगेंगे वो, ठीक है, इनिशियल स्टेज में कोई पैसा नहीं मांगते, आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। और लोगों के साथ क्या फ्रॉड हो रहा है कि आपको पैसे मांग रहे हैं इंटरव्यू की, हम आपका जॉब लेटर आ गया, कोई भी एडिट करके आपको दे देगा, फिर बाद में इंटरव्यू आएगा आपका, उसके लिए आपसे पैसे मांगते हैं, थोड़े पैसे मांगेंगे, फिर आप कहोगे ये तो थोड़े ही है, मैं दे देता हूँ, थोड़े थोड़े करके आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेके बाद में आप किसको पकड़ोगे। सो आप ये सब फ्रॉड में मत रहो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। मैं इसलिए मैं ये वीडियो बना दी कि क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे मैसेज आ गए थे, मेरा एज अ वीडियो इन्फ्लुएंसर चाहे कम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ या गाइडेंस दे पाऊँ, मेरा ये काम है कि भले 10 लोगों की भी लाइफ अगर बच जाए, उनका पैसा बच जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बहुत सारा थका हुआ था मैं, आप मेरे फेस से देख सकते हैं, धूप इतनी है ना इंडिया में, 40+ वेदर है, और साइट्स संभालनी, सारा मैं कंस्ट्रक्शन साइट अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, और एक बड़े लेवल पे इसको लेके जाना चाहता हूँ, बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो के थ्रू अपनी जर्नी बताता जाऊँगा जैसे जैसे टाइम मिलता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बेल आइकन्स को दबा दो ताकि आपको कोई भी वीडियो मिलती जाए, ठीक है। किसी भी फ्रॉड ना होने दो, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, किसी के साथ ये वीडियो को आप शेयर कर दो,
जिन आपको अगर लगता है कि उस बंदे के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।